नहीं यार वो हाथ मार के माइक तोड़ दिया आप बेवकूफ बोले तो सर हाउस नंबर 56 है सर 17 ना तो टेलीफोन नंबर लिखो मैडम सर साहब थोड़ा प्लीज मैडम का देख के करो सर वो कंसर्न नहीं को बोलो आप चलो आप दूर हटो थोड़ा पीछे साहब आप भी हटो थोड़ा पीछे वहाँ पीछे दिख रहा हूँ ठीक है पहले बॉक्स में जान दो वो नहीं चल रहा अपने जाना हमें आपका सही चाहिए के लिए थोड़ा मौसम और कोने वो भी ना सदर इधर ये भी सदर है तीन जनों को रुका है अभी नंबर को मेरा नंबर है थोड़ा पीछे जी चलिए चलिए साहब स्टार्ट हलके असम्बली याखुतपुरा और हैदराबाद पार्लियामानी हलके में हैदराबाद के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आज याखुतपुरा असम्बली हलके में 15,70,00,000 की लागत से तरक्याती कामों का आज इफ्तिताह किया गया जिसमें VDCC की रोड स्टॉर्म वाटर ड्रेन सीवरेज लाइन ये तमाम कामों का इफ्तिताह हुआ और मैं शुक्रगुजार हूँ याखुतपुरा के मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन के अराकीन सदर मुतमदीन का जिन्होंने पिछले 3.5-4 महीने से इन कामों पर बहुत मेहनत की और ग्रेटर हैदराबाद के बल्दिया से नुमाइंदगी करके MLA साहब और मेरे लेटर पैड पर एस्टीमेट्स बनाए एस्टीमेट्स की मंजूरी भी हुई और उनकी मेहनत की वजह से ये आज कामों का इफ्तिताह हुआ और भी बहुत से काम होना बाकी हैं और आज मैं पिछले 3.75 घंटे से याखुतपुरा में पैदल फिर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अवामुन्नास से मुलाकात भी हुई बहुत से उनके मसाइल के बारे में भी मुझे बताया गया है और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जानिब से और हमारे मुकामी MLA अराकीन बल्दिया सदर मुतमदीन मिलकर जो तकालीफ और मसाइल अवाम ने मुझे बताए हैं आज उसको हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और मैं जोनल कमिश्नर जनाब अशोक सम्राट साहब से भी फ़ौरन राबता किया हूँ और जो जो मसाइल जल्दी हल हो सकते उनको जल्दी हल भी किया जाएगा तो ये एक सिलसिला है मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की जानिब से कि हैदराबाद की पार्लियामानी हलके को एक मिसाली पार्लियामानी हलका बनाया जाए जहाँ पर बिला लिहाज मज़ो मिल्लत
तरक्याती काम, डेवलपमेंट के काम करवाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करवाए जाएंगे। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आपकी कोई तकालीफ है, मसाइल हैं, तो आप मुझ तक, मुकामी रुकन असम्बली, मुकामी रुकन बल्दिया और आपके जो बूथ लेवल के सदर मोतमदीन हैं, मजलिस के ब्रांच प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उनको बताइए। इंशाल्लाह हम उन पूरे कामों को जल्द से हल करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।